हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दामनीज वर्ल्ड। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई और रेसिपी शेयर करूं, तो आज मैं छोले भटूरे बनाने वाली हूं और आप लोगों के साथ छोले भटूरे की रेसिपी ही शेयर करने वाली हूं। तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोला बनाने के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन पहले से कर ली है। ये छोला मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। ये 250 ग्राम जैसा छोला है और अभी इसे मैं बॉईल करूँगी। दो प्याज मैंने बड़े साइज़ के काट के रखे हैं। तेज़पत्ता मैंने लिया है, खड़े मसाले में तेज़पत्ता, दालचीनी और थोड़े से लौंग, और छौंक लगाने के लिए मैंने लिया है जीरा और हींग। इसके साथ साथ मसालों में मैंने टमाटर को प्योरे बना के रखा है। दो मीडियम साइज़ का टमाटर है ये, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है 2 चम्मच, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। जीरा पाउडर लिया है 1.5 बड़े चम्मच। 1.5 बड़े चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। गरम मसाला पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है, और 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी का लिया है, क्योंकि हल्दी हमें अभी चना बॉईल करने में भी लगेगा, इसलिए मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा से ही निकाल ली है। और ये कसूरी लाल मिर्च है, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए मैं डालूंगी। और ये आमचूर पाउडर है। मैं सबसे पहले छोले उबालने हैं, तो मैं ये कुकर में डाल देती हूँ। तो गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया है, मैंने कुकर में छोले डाल दिए हैं। और 1 कप ले लेती हूँ मैं, इस कप से मैं दो कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी इसमें डाला है, और इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच जैसा नमक। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, इसी के साथ डालूंगी तेज पत्ता, दालचीनी, और 4-5 लौंग। और एक वाइट कपड़े में मैं थोड़े से चाय पत्ती लेकर, ये साफ वाइट कपड़ा है, इसमें मैं चाय पत्ती डालूंगी और इसकी पोटली बनाकर इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से जब भी आप पोटली बनाएं तो वाइट कपड़े में ही बनाएं और साफ कपड़े में बनाएं। अब मैं इसे सूते से अच्छे से बांध लूंगी और इसके पोटली बनाकर, तो इस तरीके से आप इसे गांठ लगा दें और बहुत अच्छी तरीके से इसे बांधें, ताकि ये खुल ना जाए और आपके छोले पर फैल ना जाए। मैंने बहुत अच्छे से इसे बांध लिया है, तो ये पोटली तैयार हो गई है, ये खुलेगी नहीं अब। और इसे मैं इसी तरीके से डाल के हल्का सा हिलाकर, अब मैं गैस ऑन करके 4 सीटी तक इसे बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 1/2 कप जैसा पानी लिया है, इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, और इसके बाद इस गर्म पानी को हम ईस्ट में डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए ढककर रख देंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए, फिर हम इसी से ही मैदे को सानेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी हमारा वैसा गर्म हो गया है जितना हमें एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। तो इसमें हम 1/2 चम्मच जैसा चीनी मिला रहे हैं, चीनी को हम थोड़ा घुलने देंगे। तो चीनी हमारी ऑलमोस्ट घुल गई है, और हम उंगली डालकर देख लेते हैं कि ये पानी कितना गर्म है, क्योंकि बहुत गर्म पानी में जैसे ही आप ईस्ट डालेंगे वो एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो आप पानी का टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, जितना आप अपने स्किन पर
सहन कर सके उससे कम। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसमें हम ईस्ट डाल देंगे। तो पानी उतना नॉर्मल हो गया है जितना हमें चाहिए। अब मैं इसमें ईस्ट डाल रही हूँ, एक बड़ा चम्मच ईस्ट हमने लिया है, और इसे एक्टिव होने के लिए हम कुछ सेकंड के लिए ढककर रखेंगे। ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है और इसे अब हम मैदे में मिलाएंगे। तो मैदे में इसे मिलाने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें मैदे में मिला लेते हैं। जैसे कि हमने सूजी रखा था, दो बड़ा चम्मच जैसा सूजी है, ये 250 ग्राम जैसा मैदा है, तो इसे मिला देते हैं इसमें। आधा चम्मच जैसा नमक डाल रही हूँ मैं, और एक चम्मच जैसा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ईस्ट वाले पानी को हम इसमें मिला देंगे। यहाँ एक कप नॉर्मल पानी मैंने रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा पानी लूँगी इसमें। अगर आप इंस्टेंट भटूरा बना रहे हैं तो आप दही मिला सकते हैं ईस्ट की जगह, और अगर आप ईस्ट डाल रहे हैं तो आपको डो तैयार करके कम से कम 1 घंटे के लिए इसे रखना है राइस करने के लिए। तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, बहुत गीला हमें इसे नहीं करना है। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं। हल्का सा और पानी दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। कुछ सेकंड के लिए अच्छे से इसे मल लेना है। पानी की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, एक कप पानी में इतना पानी बच गया है। कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से मिलाएं। अगर ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकने लगी तो थोड़ा सा ऑयल ले लें हाथ में, और फिर आप इस तरीके से चिकना करें इसे। तो हमारा डो तैयार है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है मैंने, और अभी से हम इसी तरीके से इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये ढक्कन निकाल लेते हैं, और सबसे पहले निकालते हैं पोटली। और देखते हैं, सावधानी से चेक कर लेते हैं, चना हमारा गल गया है। तो चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, और गैस अब हम ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। जो एक चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स बताते समय मैं भूल गई थी बताना कि जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ वो छोला बनाने के लिए मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और भटूरे बनाने के लिए मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हल्का सा पानी डालेंगे, गैस का फ्लेम तेज कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे।
मसाले हमारे हल्के से भून गए हैं और अब इस टाइम पर हम टमाटर प्योरे डालेंगे अच्छे से। यहीं पर हम आधा चम्मच जैसा नमक ऐड करेंगे। अच्छे से चला के ढककर धीमी आंच में पकाएंगे। कुछ सेकंड और पकाएंगे। गैस का फ्लेम सिम रखते हैं। तो चेक कर लेते हैं, फ्लेम बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। और अब इसमें आमचूर और कश्मीरी लाल मिर्च मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मसाले को आप जितना भूनेंगे उतना ही स्वाद आएगा। ढक्कन लगा देते हैं, गैस का फ्लेम तेजी रखते हैं। तो देख लेते हैं, तो मसाला हमारा रेडी है और मसाले ने ऑयल भी बूस्ट कर दिया है। चलाते हैं इसे, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और क्योंकि मसाला हमारा डल रहा है नीचे। मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून गया है, गैस को सिम करते हैं और इसमें मिलाते हैं छोले। गैस का फ्लेम तेज करते हैं और इसे छोले को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें मसाले में। गैस का फ्लेम तेज रखें। तेज पत्ते को मैंने इसलिए ऐसा पकड़ रखा क्योंकि मसाला चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेती हूँ। मसाले के साथ छोले को हम कुछ सेकंड के लिए भून। छोले भी हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिल गए हैं और अब इसमें हम एक कप जैसा पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ एक कप जो पानी डाला है वो गर्म पानी था, उबला हुआ, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, उबला हुआ पानी ही डालें। और ढक्कन लगा के हम उबाल आने तक, अच्छे उबाल आने तक 2-3 सेकंड तक इसे पका लेंगे। तो छोले हमारे रेडी हैं, गैस हम कर देते हैं बंद और मेरे पास थोड़ा सा धनिया पड़ा था वो मैं इसमें डाल देती। तो छोला हमारा रेडी हो गया है, उसके तड़के की हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक बड़े से स्पून में 1 चम्मच घी डाला है और इसे अभी मैं गर्म करने वाली हूँ। गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें, मैंने कुछ अदरक के स्लाइसेस बना के रखे हैं वो इसमें डालेंगे।
और इसे आग से हम हटा देंगे। छोले के ऊपर डाल देंगे। तो छोला हमारा रेडी है, तो और आटा भी हमने लगा लिया है। तो चलिए भटूरे बनाते हैं। तो भटूरे के लिए हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, जितना हमें रिक्वायर्ड है ऑयल का उतना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा आटा कैसे सेट हुआ है। तो ये है आटा और आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गया है। तो हाथ में जरा सा ऑयल लगाकर हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए और मसल लेंगे। इस तरीके से इसमें काफी अच्छा हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब इसकी लोइयां निकाल लेते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी लोइयाँ निकाल लेते हैं और बाकी को हम ढक कर रखेंगे। बहुत बड़ी लोइयाँ नहीं ले रही हूँ मैं, छोटे भटूरे बनाऊँगी, बहुत बड़े भटूरे नहीं बनाऊँगी। अगर आप बड़े भटूरे बनाना चाहते हैं तो बड़ी लोइयाँ बनाएं। बाकी के आटे को हम ढक कर रख देंगे। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा बना लें और अब इसे चकले पर रखकर शेप दें। आप चाहते इसे लंबा बना लें, ओवल शेप में बना ले या फिर गोल शेप में बना ले अगर नहीं बन पा रहा है तो, क्योंकि आटा बहुत गीला होता है तो ये प्रॉपर शेप नहीं ले पाता है। तो अब हम इसे सावधानी से तेल में डालेंगे। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेगा, चारों तरफ से सेकें। कुरकुरे फूले हुए इसी तरीके से सारे भटूरे बनेंगे आपके। तो दूसरे को भी हम इसी तरीके से हल्का सा हाथ से शेप देंगे और फिर हम इसे बेलेंगे ताकि प्रॉपर शेप में रहे। सावधानी से उठाते हुए हम तेल में डालेंगे। और ये बिल्कुल फूलेगा, सारा भटूरा आपका फूलेगा जिस तरीके से, जिस रेशियो से मैंने सारा डो तैयार किया है उसी तरीके से आप अगर करेंगे तो सारा भटूरा फूलेगा। तो यस, आपने देखा कि कितने आसानी से और कितनी जल्दी झटपट मैंने छोले भटूरे घर पर ही बना लिए। तो इसी तरीके से आप भी घर पर ट्राई करें
और ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ तामनीस वर्ल्ड।